हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बनारस में लेके आया हूं। अगर आपको विकास देखना है तो बनारस चले आएं। बनारस में विकास शानदार ढंग से रोडें, मैं आपको जिस रोड पर लेके चल रहा हूँ, ये रोड टेढ़ा मोड़ से सोनभद्र मिर्जापुर टच करते हुए एमपी की तरफ चली जाती है। मैं दिखा रहा हूँ, यह रोड पिछले कुछ महीनों में बनके तैयार हुई है। बनारस के विकास में टेंगड़ा मोड़ जो स्थान है वह बहुत भूमिका रखता है, जहाँ पे अक्सर जाम लग जाया करता था। यह रोड 6 लेन रोड बनी है। जिस रूट पे हम जा रहे हैं, 3 लेन इधर है, 3 लेन आपके दाहिने साइड में है। तो यह रोड आप देख रहे हैं, दोनों तरफ लाइट की व्यवस्था और इस रोड पे साफ सफाई, इस रोड की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार। बनारस अपने शानदार और वैभवशाली स्वरूप में दिखने लगा है। जहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये टेंगड़ा मोड़ से रामनगर जो सोनभद्र को टच करते हुए रोड है, जो सोनभद्र में जो 4 लेन रोड है, उस रोड को यह कनेक्ट करता है और उसके बाद यह सीधे फ्लाईओवर के थ्रू मिर्जापुर की तरफ निकल जाता है। फिर उसके माध्यम से फिर आगे बढ़ता है या एमपी रीवा की तरफ यह रोड चला जाता है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इस रोड में चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगे हुए हैं और उसके बगल में सर्विस लेन लगी हुई है, ताकि लोग पैदल या बाइक के माध्यम से उस पर चल सकें। और जिस रूट पे हम लोग चल रहे हैं, ये मेन हाईवे है, जो 3 लेन इधर है और 3 लेन अप और डाउन दोनों, 3 लेन यानी 6 लेन का यह पूरा कंप्लीट हाईवे, जो बहुत शानदार हाईवे बना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय योगी जी के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश विकास के नए पथ पर अग्रसर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ लाइटें लगी हुई हैं और यह रोड रात के समय में और किसी बहुत शानदार, किसी विदेश जैसे लुक व्यू में आता है कि हम किसी विदेश के रोडों पर चल रहे हैं। जब आप बनारस आएंगे काफ़ी दिन बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देगा। विकास के इस नए क्रम में बनारस में लगातार विकास हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, यहाँ के सांसद हैं। बनारस को बनारस जैसी वैभवशाली नगर के रूप में प्रतिष्ठित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी का बहुत बहुत योगदान है। आपको खुद भी अंदाजा लग रहा होगा कि जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं, उस रोड की बिल्ड क्वालिटी और इस रोड को लेकर जो समस्याएं रहा करती थी, वो समस्या दूर हो चुकी हैं। कहीं जाम की कोई स्थिति नहीं है। आपके जिस रोड पे जिस तरीके से लोग चलते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि 100 और 100 से ऊपर की भी स्पीड में यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देंगी आपको। इस रोड को बने अभी मुश्किल से 6 महीने लगभग कंप्लीट हुए हैं और यह रोड अपने बनारस के विकास में, सोनभद्र के विकास में, मिर्जापुर के विकास में एक नया आयाम स्थापित करेगा। अब यहीं से थोड़े से पास से हम सोनभद्र के लिए बाएं कट जाएंगे। यह रोड यह फ्लाईओवर होते हुए सीधे मिर्जापुर की तरफ निकल जाएगा। हमारी यात्रा बनारस से शुरू हुई थी, जो अब सोनभद्र के लिए हम लोग अब निकलेंगे। और अपने अनुभवों को मैंने साझा करने के लिए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यह विकास किस आधार पे, किस स्वरूप में दिख रहा है। माने आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में मुझे जरूर